मैं शबीना अदीब साहिब की इजाजत चाहता हूँ, तहजीब भाई की तवज्जो चाहता हूँ। तुराज भाई, तहजीब भाई सुनिएगा, खामोशी से सुन लें, और नज्म की क्लाइमेक्स पर, इसके एंड पर, इसके अखीर में मैं जो बात कह पाया हूँ और कह पाने में कामयाब हो गया हूँ, तो फिर आपकी दुआएं और आपकी ताईद मेरे झोली में आनी चाहिए। वो मोहब्बत में डूबी हुई शाम थी, बिल्कुल संजीदगी और खामोशी से सुने हर लफ्ज। बैठे भाई, भाई प्लीज मोबाइल जरा रख लें। वो मोहब्बत में डूबी हुई शाम थी, हर तरफ थे धनक रंग बिखरे हुए, घुल रहा था फजाओं में एक इत्र सा, चल रही थी हवा ऐसे अंदाज में जैसे चौथी की दुल्हन के धीमे कदम। वो मोहब्बत में डूबी हुई शाम थी, हर तरफ थे धनक रंग बिखरे हुए, घुल रहा था फजाओं में एक इत्र सा, चल रही थी हवा ऐसे अंदाज में जैसे चौथी की दुल्हन के धीमे कदम। चांदनी ऐसे चिपकी थी चारों तरफ जैसे कोई परी पंख फैलाए हो, एक सितारा था जुल्मत से यूं बेनियाज जैसे दीवाना दुनिया को ठुकराए हो, कसमसाती थी पर्वत पे ऐसे घटा जैसे खुलने को बेताब बंदे कबा, फिर नजर आई मुझको वो खुशबू बदन जैसे हरफे दुआ जैसे हरफे सुखन, नर्म और नाजुक सी एक शाख गुल की तरह, दो किनारों के बीच एक पुल की तरह, थोड़ी सिमटी हुई कुछ लजाती हुई, नगमे दोस्ती गुनगुनाती हुई, कितने मुरझाए फूलों में जा आई थी, मेरे सपने में उर्दू जबां आई थी।